नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आज मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए विषय सुविचार यानी कि थॉट्स के साथ। मैं आज आप लोगों को बहुत सारे थॉट्स से परिचित करवाऊंगा और इसका प्रयोग आप अपने जीवन में करने के साथ साथ यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप वहाँ मॉर्निंग असेंबली में बोल कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सुविचार, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। एक बार फिर से मैं इसे कहना चाहूँगा, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। एक बार पुनः, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। नंबर तीन, सब आदमी दूसरों के मालिक बनना चाहते हैं, अपना मालिक कोई नहीं बनना चाहता। एक बार फिर से, सब आदमी दूसरों के मालिक बनना चाहते हैं, अपना मालिक कोई नहीं बनना चाहता। नंबर चार, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। एक बार फिर से, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। नंबर पाँच, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। एक बार फिर से, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। नंबर छः, इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें। इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। एक बार फिर से, इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें। इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। नंबर सात, बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। बिना अपना आपा और आत्मविश्वास खोए कुछ भी सुन सकने की योग्यता ही शिक्षा है। नंबर आठ, एक आधुनिक शिक्षक का काम जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है। जी हाँ, एक आधुनिक शिक्षक का काम जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना है। नंबर नौ, कोई भी जिसने सीखना छोड़ दिया चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल, वो बुढ़ा है। कोई भी जिसने ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा हुआ है वो युवा है। एक बार फिर से, कोई भी जिसने सीखना छोड़ दिया चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल, वो बुढ़ा है। कोई भी जिसने ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा हुआ है वो युवा है। नंबर 10, परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। नंबर 11, थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, यह बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। जी हाँ, मैं एक बार फिर से इस विचार को दोहराना चाहूँगा, बुद्धिमान बनने के इसमें चार उपाय बताए गए हैं। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, यह बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। नंबर 12, संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो और विनय विद्या से आती है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, संसार में सफल और सुखी वही लोग हैं जिनके अंदर विनय हो और विनय विद्या से आती है। नंबर 13, दुनिया बदलने की शुरुआत हमें उस चेहरे से करनी चाहिए जो हमें आईने में नज़र आता है। एक बार फिर से, दुनिया बदलने की शुरुआत
हमें उस चेहरे से करनी चाहिए जो हमें आईने में नजर आता है। नंबर 14, वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। एक बार मैं फिर से इसको कहना चाहूँगा, वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। धन्यवाद।